समता पार्टी के कुरुक्षेत्र लोकसभा उम्मीदवार नरेश कुमार जोगी ने भरा नामांकन पत्र। कहा, लोकसभा की जनता देगी अपना आशीर्वाद। लोकसभा चुनाव के नामांकन दाखिल करने का आज तीसरा दिन रहा, जिसमें करीब 7 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस मौके पर समता पार्टी के श्रमिक प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष नरेश कुमार जोगी ने भी राष्ट्रीय महासचिव अनिल धीमान, राष्ट्रीय प्रभारी संजीव भारद्वाज, प्रदेश उपाध्यक्ष सुशील चित्रा की मौजूदगी में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। प्रांत पत्रकारों से बातचीत करते हुए कुरुक्षेत्र लोकसभा प्रत्याशी नरेश कुमार जोगी ने कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी उन्हें प्रत्याशी बनाकर सौंपी है, वे उस पर खरा उतरते हुए लोकसभा सीट जीतने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी ने 12 सूत्रीय घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें युवाओं को रोजगार, बुजुर्गों को पेंशन, OPS की स्कीम, तमाम गंभीर मुद्दों को लेकर और उनकी पार्टी मैदान में उतरी है। उन्होंने कहा कि वह लगातार कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र में डोर टू डोर जाकर लोगों को पार्टी से जोड़ने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से समता पार्टी कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर अपना विजय पताका फहराने में कामयाब होगी। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अनिल धीमान ने कहा कि बेशक समय बेहद कम रह चुका है, लेकिन समता पार्टी की टीम, प्रत्येक कार्यकर्ता, पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्र में लोकसभा उम्मीदवार के लिए घर घर जाकर वोट की अपील कर रहा है। निश्चित रूप से इस लोकसभा चुनाव में जनता हमारी पार्टी के उम्मीदवार को अपना प्यार और आशीर्वाद और समर्थन देगी। तो मैं अभी हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भाई संजीव भारद्वाज जी हमारे बीच में है, ताड़ियों के साथ जो है ना भारद्वाज जी का अभिनंदन, भारद्वाज जी का जो है हमारे यहाँ पर आने पर वेलकम, और भारद्वाज जी अपने विचार रखेंगे, धन्यवाद करेंगे। समता पार्टी नरेश भाई, मैं सभी कुरुक्षेत्र वासियों को, सभी माताओं को, बहनों को, भाइयों को, बड़ों को हार्दिक धन्यवाद देता हूं मैं, जो आप सब यहां पे एकत्रित हुए हैं हमारे भाई नरेश जोगी जी के सम्मान में। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं आप सबको बताना चाहूंगा मैं कि कुरुक्षेत्र पिछले लगभग 60 सालों में आज तक कभी भी हॉट सीट नहीं बनी, जो हम कहेंगे राजनीतिक माहौल में कभी इतनी गर्मी नहीं रही कुरुक्षेत्र में जो इस बार बनी है। सभी पार्टियों के दिग्गज नेता कुरुक्षेत्र में आके बैठे हुए हैं, उसका एक कारण है कि एक अच्छा ईमानदार नेता आपके बीच में ना आ पाए। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इनेलो, जेजेपी, सभी के दिग्गज नेता यहाँ उतरे हुए हैं। आज से पहले कभी कोई बड़े नेता यहाँ पे आके कभी उन्होंने चुनाव लड़ने की कोशिश नहीं करी। आज बीजेपी ने, कांग्रेस ने, आम आदमी पार्टी ने, सभी ने अपने दिग्गज नेता उतार दिए यहाँ पे। उसका एक ही कारण है कि यहाँ पे आपके बीच में आपका कोई भाई, आपका कोई साथी, आपको कोई परिवार का सदस्य MP ना बन सके, कोई भी विधानसभा में या लोकसभा में ना बैठ सके। अगर आपका कोई घर का, परिवार का सदस्य यहाँ बैठेगा तो आपके साथ जितनी भी समस्याएं उनका समाधान होगा, और ये सब नहीं चाहते कि आपकी समस्याओं का समाधान हो। अगर आप सबको कुरुक्षेत्र की जितनी भी परेशानियां हैं उनसे निजात पाना है, उनसे आपको निकलना है, तो आपको अपने भाई को, नरेश जोगी जी को आपको समर्थन देना होगा, वोट देना होगा। आप सबको ईमानदार, निष्पक्ष नेता की जरूरत है, और मुझे लगता है कि भाई नरेश जोगी से अच्छा नेता आपको नहीं मिलेगा। एक ईमानदार नेता चाहिए आपको, शासन चाहिए, अच्छा प्रशासन चाहिए, उसके लिए आपको एक ईमानदार नेता की जरूरत है। तो मैं आप सबसे विनती करूंगा, अनुरोध करूंगा, इस बारी समता पार्टी से भाई नरेश जोगी जी को अच्छे बहुमत के साथ आप जिताएं, उनको भारी बहुमतों के साथ आप उनको जिताएं, आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।
अनिल जी क्या कहेंगे, आज नॉमिनेशन फाइल किया समता पार्टी के? आज समता पार्टी से जो नॉमिनेशन फाइल करा है लोकसभा से प्रत्याशी हमारे नरेश कुमार जोगी ने आज क्या नाम से यहाँ से नॉमिनेशन भरा है, और आने वाले 25 मई को मैं जनता से यही आग्रह करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा वोट देके हमारे नरेश कुमार जोगी जी को सांसद में बिठाएं और सांसद बनाकर और यहाँ पर लोकसभा में खड़ा करें। किन मुद्दों को लेकर पार्टी चुनाव, जो आजकल के जो मुद्दे चल रहे हैं बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, ये सारे जो मुद्दे हैं वो हमारे सर्वोपरि हैं और हम इसको हर तरीके से खत्म करेंगे। समय कम रह गया, मात्र 3 हफ्ते अगर चुनाव प्रचार की बात करें, 3 हफ्ते रह गए, ऐसे में कैसे पूरा लोकसभा? हमारी पूरी टीम जो है काम कर रही है और जगह जगह पे जाके और एक एक विधानसभा में जाके हमारी पूरी टीम काम कर रही है और हम पूर्णतः रूप से सांसद के इलेक्शन हम जीत के आएंगे। सर प्रचार कैसे शुरू कर देना? प्रचार हमारा ऑलरेडी से स्टार्ट है, कोई उसमें कोई देरी नहीं है। नॉमिनेशन फाइल किया सर? आज मैंने नॉमिनेशन फाइल किया, समता पार्टी ने मेरे को जो जिम्मेदारी दी है मैं इसको पूरी करके समता पार्टी की झोली में लोकसभा की सीट कुरुक्षेत्र की डालूंगा। डोर टू डोर कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं? मैं डोर टू डोर जा रहा हूँ, लोगों का मेरे को बड़ा समर्थन मिल रहा है। आज भी जैसे मैं नॉमिनेशन भरने के लिए अपने ऑफिस चला, हजारों की संख्या में जो पब्लिक है वो मेरे साथ आई है। मुद्दे क्या रहेंगे पार्टी के? मुद्दे हमारे मैनोफेस्टो है, 12 सूत्री कार्यक्रम है, बेरोजगारी पे है, युवाओं का है, महिलाओं का है, बुढ़ापा पेंशन का है, पेंशन का है, जो हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम है उसका है, बहुत मुद्दे हैं जो सभी 12 सूत्री कार्यक्रम में हमारे हैं, वो हमारी सरकार आते ही सबको पूरा करे। कोई कार्यक्रम, बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं? बड़ा कार्यक्रम भी देखते हैं हम, कोई ऐसी बात नहीं, हमारे को जरूरत पड़ी तो बड़ा कार्यक्रम भी करेंगे जल्द से जल्द।